दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय होप हॉस्पिटल। पारसनी में लोधी समाज के उभरते नेता दूधराम सवालाखे जो कांग्रेस के नेता है और जिला परिषद सदस्य भी, उन्हें उन्हीं के पार्टी के नेता गज्जू यादव और रणवीर यादव ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। आज इस मामले में नागपुर में लोधी समाज के संगठन सहित कई संगठनों ने संवाददाता सम्मेलन लेकर इस विषय पर प्रकाश डालते हुए आरोपी पर पुलिस कार्रवाई सहित पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी के ही उच्च पदाधिकारी ने यह कृत्य किया है। हम इस कृत्य का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं लोधी समाज की ओर से, और सारी हमारे लोधी समाज की सारी संगठनाएं आज उपस्थित है। हमारी ये पार्टी के जो पक्ष श्रेष्ठ के लोग हैं उनसे ये मांग है कि ऐसे जो प्राणघातक हमला करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले उदय सिंह उर्फ गुज्जू यादव और उनके भाई को पार्टी से निष्कासित करें, और उन्हें जो कार्रवाई है उन पे होनी चाहिए वो पूर्णतः कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टी में जगह नहीं देनी चाहिए। हमारा जो लोधी समाज है ये बहुसंख्यक समाज है, और उसके बावजूद भी आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार हमारे दूधराम सवालाखे के रूप में हमें जिला परिषद में एक प्रतिनिधित्व रामटेक तालुका से मिला है, और वो एक संगठन तथा राजनीतिक कौशल्य व्यक्ति है जिससे पूरे समाज की उम्मीदें उनसे लगी है, और ऐसे व्यक्ति पे उन्होंने हमला किया है तो ये समाज, जो लोधी समाज है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उन पे पक्ष श्रेष्ठ ने कोई कार्रवाई नहीं की तो लोधी समाज हर एक तालुका में, पूरे विदर्भ में उनका निषेध मोर्चा निकालेगी, गज्जू यादव जैसे लोगों को पर्दाफाश करने का कार्य करेगी। जेव्हा 5/7/2021 ला ही घटना घडली त्यावेळेला प्रत्यक्षात जिल्ह्याच्या माननीय अध्यक्ष महोदय सौर अस्मिताई बर्वे त्या ठिकाणी उपस्थित होत्या। त्या ठिकाणी पक्षाचे राज्याचे वरिष्ठ पदाधिकारी नाना गावंडे त्या ठिकाणी उपस्थित होते। पारसुरी तालुक्याचे काँग्रेसचे अध्यक्ष दयारामजी भोयर उपस्थित होते आणि अनेक त्या ठिकाणी काँग्रेसचे कार्यकर्ते बंधू भगिनी मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी उपस्थित होते, आणि त्यावेळेला ही घटना घडलेली आहे। घटना घडण्यासाठी असं कोणतेही त्या ठिकाणी कारण नसताना दूधरामजी सव्वालाखे यांना त्या ठिकाणी मारहाण करण्यात आलेली आहे। कारण अस्पष्ट आहे। आज आमच्या लोधी समाज त्यांच्यासाठी हे सगळं पत्रकार परिषदेचे आयोजन का करत आहे की लोधी समाजासाठी एक निस्वार्थ कार्यकर्ता म्हणून दूधरामजी सव्वालाखे हा पुढे आलेला आहे। आज आम्ही रामटेकला राहतो। रामटेकला आमची स्वतःची धर्मशाळा नव्हती, त्या माणसाने 50 लाखाची धर्मशाळा त्या ठिकाणी उभी केलेली आहे। आज अशा या गौरवान्वित करणाऱ्या लोधी समाजाच्या कार्यकर्त्यासाठी आम्ही आज सडकवर सुद्धा उतरायला तयार आहोत, कारण जोपर्यंत त्यांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही कोणत्याही स्तरापर्यंत पोहोचायला आम्ही तयार आहोत। या संदर्भामध्ये